आज एनडीए की बैठक, विशेष रूप में एनडीए का 25 साल व्यतीत होने के उपरांत आज आयोजित हुई और इसमें एनडीए के प्राय सभी पार्टनर, जिनकी संख्या 35-38 के आसपास में थी, सब लोग उपस्थित हुए और प्रस्ताव पारित करके सब लोगों ने एक मत से माननीय नरेंद्र मोदी जी के 9 साल का कार्यकाल की सराहना की और इनके बढ़ते लोकप्रियता के प्रति सब लोगों ने खुशी जाहिर की। आज न सिर्फ हिन्दुस्तान में बल्कि संसार में जिस प्रकार से मोदी जी की लोकप्रियता बढ़ी है, उससे भारत के बच्चा बच्चा सब गौरवान्वित है और आज मोदी जी को पुनः 2024 में तीसरा बार भारत के प्रधानमंत्री बनाने के लिए लोग मन बना लिया है। शहर क्या कहा जाए, देहात ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो दूसरा विचार रखता है राजनीतिक रूप में, वो भी पार्लियामेंट के चुनाव में यही कहता है कि हम लोग मोदी जी को वोट देंगे, मोदी जी के नेतृत्व में हमारा हिंदुस्तान सुरक्षित है, चाहे वैदेशिक नीति हो या आंतरिक नीति हो, दोनों में इतनी सफलता मिली है कि आज हम कह सकते हैं कि संसार के अग्रणी देशों में आज हमारा हिंदुस्तान प्रतिस्थापित होने की स्थिति में है। और ये इसलिए है कि एनडीए के लोग और नरेंद्र मोदी जी अपने परिवार के लिए नहीं बल्कि राष्ट्र के लिए काम करते हैं, सेवा के लिए काम करते हैं। कुछ लोग सत्ता प्राप्त करने की बात करते हैं, लेकिन यहाँ सत्ता प्राप्त करने की बात नहीं होती है, यहाँ सेवा करने की बात होती है, जिसके चलते आज यहाँ पर मोदी जी के नेतृत्व को लोग ने सराहा। और हम कहना चाहते हैं कि मोदी जी हर क्षेत्र में हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने का काम किया है। हमने कहा है कि जो योग हमारा हिंदुस्तान का एक अभिन्न सांस्कृतिक अंग रहा है, आज विश्व के पटल पर योग को भी उन्होंने प्रस्थापित किया है और विश्व योग दिवस भी मनाया जा रहा है। और जहां तक निवेश की बात है, आज प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा और बात सही भी है कि चुनाव जब शेष रहता है कुछ समय, उस समय बाहर के लोग कम निवेश करना चाहते हैं या प्रतिनिधि कम भेजना चाहते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में जब आज 9 महीना मात्र चुनाव का है तो संसार के प्रतिनिधि यहाँ आ रहे हैं और यहाँ के प्रतिनिधि बाहर जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हिंदुस्तान के लोग, भारत के जन जन के लोग तैयार हैं नीतीश नरेंद्र भाई मोदी जी को वोट देने के लिए, और इसका विश्वास हिंदुस्तान से बढ़कर के विदेशों में भी हो गया है। विदेश के लोग भी समझते हैं कि हिंदुस्तान की सरकार फिर बनने वाली है और अस्थायी सरकार है। और ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाए, चाहे स्त्रियों के लिए बात हो, छात्रों के लिए बात हो, किसानों के लिए बात हो, सभी क्षेत्र में विकास किया गया है। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए भी काफी काम हुआ है। शेड्यूल कास्ट एट्रोसिटी एक्ट के संबंध में कुछ भ्रांतियां आई थी, उसको भी उन्होंने दूर किया है और जो शेड्यूल कास्ट एट्रोसिटी एक्ट 1989 था उसको पुनः पुरस्थापित करने का काम इन्होंने किया है। इसलिए ये हर तबके के लोगों को, चाहे शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब्स हो, अति पिछड़ा हो, इवन माइनॉरिटीज के लिए भी नरेंद्र भाई मोदी जी ने सम्मान रूप में काम किया है। ये इन्होंने राज्य की, देश की जनता की बात की है, जाति और धर्म की बात नहीं की है, इसलिए इनकी पॉपुलरिटी हिंदुस्तान में बहुत काफी है
और विदेश में भी इनकी पॉपुलैरिटी है और हम कह सकते हैं कि हर हालत में हर सूरत में 2024 में जो चुनाव होने वाला है पिछला सभी रिकॉर्ड टूटेगा और हम लोग 400 सीट के आसपास में पार्लियामेंट में जीत करके आवेंगे। यही आज हम लोग ने तय किया और यही सब लोगों की बात थी। इस मीटिंग की विशेषता यही थी कि पुनः पुनः सभी लोगों ने एक होकर के माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नीति और सिद्धांत और नेतृत्व में विश्वास किया। धन्यवाद।